वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और देखिए कौन आया है। सो फ्रेंड्स, आज आई हैं घर पर मम्मी और डैडी, क्योंकि ऐसे ही कल मेरा बर्थडे है, तो आज हम लोग जो है मेरा बर्थडे एक दिन पहले सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए जो है मेरे बर्थडे से एक दिन पहले मिला है हमें ये सरप्राइज गिफ्ट। तो डैडी और मम्मी आए हैं आज, और अभी बज रहे हैं दोपहर के एक, और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो मैं, मम्मी और दोनों बच्चे जा रहे हैं, डैडी स्टे करेंगे घर पर। नहीं, कोई नहीं, रहने दो। सो डैडी स्टे करने वाले हैं घर पर, और मैं, मम्मी, बच्चे जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा कुछ काम है। सो चलिए अभी चलते हैं और वहाँ पहुँच के करते हैं आप लोगों से बात। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत जो है मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया था कि कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मेरे बाल देखिए कितने ज़्यादा फिजी हो रखे हैं। कोई बात नहीं, सेट हो जाएंगे। सो कल कोई व्लॉग नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है आपके साथ में मैं व्लॉग शेयर करूं, और मम्मी डैडी आए हैं तो ये चीज़ भी शेयर करूं। सो चलिए अभी चलते हैं मार्केट और वहां जाकर करते हैं आप लोगों से बात। सो फ्रेंड्स, जब मैं बाहर का शूट कर ही रही हूँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने फ्लावर्स। और ये देखिए, जो मैंने फ्लावर्स लिए थे वो अभी तक भी मैं लगा नहीं पाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और ये देखिए, इस वाले प्लांट में कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो आजकल जो है काफ़ी अच्छे अच्छे से फूल खिले हुए हैं मेरे छोटू से गार्डन में, सो आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं घर से मार्केट जाने के लिए, और फ्रेंड्स अभी हम लोग जो हैं पैदल जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर से 15-20 कदम की दूरी से ही जो है ऑटो मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता है। और जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो या तो हम लोग अपनी कार से जाते हैं या फिर ऑटो से जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आते वक्त इतना सामान हो जाता है कि फिर वो स्कूटी पे कैरी करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमेशा मेरी मम्मी जो हैं मेरे साथ ही शॉपिंग करती हैं, और मैं भी मम्मी के साथ ही करती हूँ, क्योंकि फिर यह है कि जब भी शॉपिंग का प्रोग्राम होता है तो हम दोनों इकट्ठा ही बना लेते हैं, तो बहुत मज़ा आता है इकट्ठा शॉपिंग करने में। तो क्योंकि मेरी मम्मी को भी अकेले शॉपिंग करने की उतनी ज़्यादा आदत नहीं है, सो मम्मी हमेशा जब भी शॉपिंग का होता है तो वो मेरे पास आ जाती हैं, फिर हम दोनों जो हैं शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। और आज तो दोनों बच्चों की भी जो है स्कूल से ऑफ था, तो वो भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं मार्केट और स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग। कैसे आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो जस्ट मैं अभी लेके आई हूँ एमी को स्कूल से, और कल मैंने अपना ये जो व्लॉग है स्टार्ट किया था, मगर कल मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि हम जब मार्केट गए वहाँ हमको काफ़ी देर लग गई, और फिर वहाँ से आने के बाद में फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और साथ में क्योंकि मम्मी डैडी आए हुए थे तो मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना था। पहले तो हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम हुआ कि हम लोग बाहर खा लेते हैं, मगर मेरी तबीयत को देखते हुए, क्योंकि मेरा जो है डाइजेशन उतना अच्छा नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, चलिए घर में ही खाना बना लेते हैं। तो कल डिनर मैंने प्रिपेयर किया, हल्की फुल्की मैंने लौकी की सब्जी बनाई। तो फ्रेंड्स, डिनर बनाने के बाद मैं इतना थक गई कि मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो कल वाला जो मेरा व्लॉग है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज 10:30 बजे से। तो जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले लेके आई हूँ एमी को स्कूल से, और मम्मी डैडी जो हैं वो भी मॉर्निंग में ही चले गए थे ब्रेकफास्ट करके घर वापस। तो फ्रेंड्स, अभी 10:30 बज रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी, और हो गई हूँ नहीं, क्योंकि मैं रेडी ही थी, क्योंकि एमी को भी स्कूल से लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट से थोड़ा सा सामान लेके आना है, कुछ किचन के लिए थोड़ा स्टैंड वगैरह लेके आना है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में, मैं जरा मार्केट से ले आऊँ थोड़ा सा सामान और वहां से लाके आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, आज है 14th of March, मैं तो बताना ही भूल गई, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। सो फ्रेंड्स, आज है मेरा बर्थडे, सो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और फ्रेंड्स, मेरा इस बार का बर्थडे बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कल में आ गए थे मेरे मम्मी डैडी घर, तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है कि आपके बर्थडे पे
एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए, कि बर्थडे वाले दिन उनके माँ बाप जो हैं वो घर पर आ जाएं। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग आए। और फ्रेंड्स, कल रात को हम लोगों का प्रोग्राम था कि केक कट करेंगे, मगर कुछ हिम्मत नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई मेरी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वीकनेस सा फील हो रहा था। सो खैर, कोई बात नहीं, मैं इससे ही बहुत खुश हूँ कि मम्मी डैडी कल आए, तो मैंने उनके साथ अपना जो टाइम स्पेंड है वो किया। और उन्होंने सुबह सुबह, जैसे ही मैं उठी हूँ 6 बजे करीब, तो सुबह सुबह मम्मी डैडी ने मुझे विश किया हैप्पी बर्थडे, सबने विश किया, तो बहुत अच्छा लगा। इससे अच्छा वो, चलिए अभी मैं चलती हूँ मार्केट, और वहां से आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और दिखाऊंगी मैं क्या लेके आ रही हूँ। और हम लोग के शाम के भी बहुत सारे प्लान्स हैं बर्थडे के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। और आज बर्थडे के लिए मैंने सोचा है कुछ स्पेशल, मुझे कुछ स्पेशल करना है। सो वो, उसके लिए मैं जो है अलग से आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करूंगी। सो देखना उस व्लॉग को भी जरूर। सो तब तक स्टे ट्यून्ड, मैं मार्केट जाके आती हूँ, उसके बाद करती हूँ आप लोगों से ढेर सारी। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं मार्केट से क्या लेके आई हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ अपनी किचन के लिए ये स्टैंड। तो फ्रेंड्स, पहले जो मेरी किचन में स्टैंड रखा हुआ था, आपने देखा था कि छोटा सा था, तो मैं इस बार जो है 4 रैक्स वाला ये स्टैंड लेके आई हूँ, ताकि इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाए। तो ये मैंने परचेज़ किया है 300 रुपीज़ में, तो मुझे 300 के हिसाब से इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी प्लास्टिक में ये है, बहुत ड्यूरेबल है, तो मुझे 300 के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ ही फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने रखने के लिए लिया है ये वाला एक स्पून स्टैंड कह लीजिए आप, कटलरी स्टैंड कह लीजिए, तो एक मैंने ये लिया है। और ऐसा ही ब्लू कलर का जो है मैंने नया परचेज किया हुआ था, जो मैंने पुराने स्टैंड पर रखा है, तो इसके साथ में मैं उसको भी रखूंगी। और साथ ही फ्रेंड्स, मैंने ली हैं इस तरीके की ये दो जो हैं, मैंने मसालेदानी होती है, वैसे तो ये मसाला रखने के लिए यूज़ होती हैं, मगर मैंने इनको मसाले के लिए नहीं लिया है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने इनको क्यों लिया है। सो फ्रेंड्स, इनका साइज़ वगैरह काफ़ी अच्छा है, छोटू सी है ये। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है, जैसे हम लोग तड़का काटते हैं, तो जैसे लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च काट के रख लो इसमें अलग अलग, नहीं तो फिर प्लेट में काट के रखना पड़ता है। तो इसमें यह है कि अगर आपने पहले तड़का काट लिया है, तो आप इसको ढक के रख दो, और बाद में जब आप सब्जी छोकरे हो तो डाल लो। तो ये मैंने उसके लिए ली है, और ये मुझे काफ़ी अच्छी मिल गई थी, ये मुझे मिली थी 50 रुपीज़ में, तो मैंने ये दो कलर में ले ली, एक मैंने डोईवाला के लिए ले ली, मैं वहाँ लेती जाऊँगी, और एक मैंने ले ली है यहाँ के लिए। सो ये मैंने ली है इसलिए। तो यही छोटू मोटू सी शॉपिंग की है मैंने आज किचन के लिए। वैसे तो फ्रेंड्स, वहाँ बहुत अच्छा अच्छा सामान था जहाँ से मैंने लिया था, मगर अभी क्योंकि हम लोगों को अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे इस साल, तो बहुत ज़्यादा सामान जो है मैं इकट्ठा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ये है कि नया घर होगा तो नया सामान होगा, और नए तरह से हम लोग सामान लेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी वैसा ही लेंगे। तो जस्ट मैं ये ले आई हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मैं स्टैंड लेके आई हूँ उसको मैंने किचन में सेट कर लिया है, और उसके ऊपर मैंने सामान भी ऑर्गेनाइज कर लिया है। सो आप देख सकते हो कि मेरी जो किचन है वो एकदम उसका लुक चेंज हो गया है, और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड भी लग रही है। सो फ्रेंड्स, मेरी किचन जो है काफ़ी छोटी है, तो उसमें जो है ये स्टैंड बहुत अच्छे से आ गया है, बहुत अच्छे से हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं दोपहर के 2, और मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट के बच्चे क्या कर रहे हैं। सो देखिए, यहाँ लेटा हुआ है एमी। क्या है आज मम्मा का, बोलो। स्पेशल बर्थडे। अच्छा, सबको दिखाओ कि आप कल कौन सी रिमोट कंट्रोल कार लेके आए थे, लाओ मैं दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, एमी कल मार्केट से लेके आया था ये वाली रिमोट कंट्रोल कार, और जैसे ही वो घर लेके आया, तो लाते ही उसने जो है कार को खराब कर दिया। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। कैसे, जब मैंने कहा था ना ये ना अंदर था। कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देंगे पापा, क्योंकि ये चल नहीं रही है, इसका मे भी शायद कुछ वायर जो है वो लूज हो गया है। दिखाऊं क्यों नहीं चली, क्योंकि इसको ऐसे किया था ना। सो नोनो भी जो है अपने लिए कुछ लेके आई है, और ये दोनों टॉयज जो हैं, नोनो और एमी को ये दिलाए हैं। एक मिनट बेटा। सो ये जो दोनों टॉयज हैं ये दिलाए हैं दोनों बच्चों को मम्मी ने। तो नोनो ने ली है ये क्यूटू सी डॉल। सो आप देख सकते हो कितनी क्यूट डॉल है ये। सो ये नोनो ने ली है, और इसके साथ नोनो को मिला है ब्रश एंड मिरर।
खाना बना दो। मम्मा ये देखो किंडर जॉय से मिला मुझे बैटमैन। बेटे यही तो मिलते हैं इसलिए तो आप लोग किंडर जॉय खाते हो। सो फ्रेंड्स, किंडर जॉय में ये जो छोटे छोटे टॉयज मिलते हैं ना, उसी की वजह से सभी बच्चे, मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमारे बच्चों के साथ में नहीं होगा, और भी जिनके बच्चे होंगे मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, सीरियसली तो सब पेरेंट्स को पता है कि किंडर जॉय के लिए बच्चे कितना परेशान करते हैं, उनको इतना ज्यादा होता है जस्ट क्या, एक छोटे से टॉय के लिए बस देखा नहीं, किंडर जॉय किंडर जॉय किंडर जॉय किंडर जॉय। सो चलिए और मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या लेके आई थी। सो कल मैं अपने लिए लेके आई थी ये एक टॉप, तो काफी अच्छा लगा था मुझे ये, काफी लूज लूज है, काफी बैगी है, बट येट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सो कल मैं अपने लिए ये फुल स्लीव का टॉप लेके आई थी, और साथ ही फ्रेंड्स कल मैं लेके आई थी अपने प्लांट्स के लिए एक फ्लावर पॉट। और हाँ, मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि अभी थोड़ी देर पहले जो है मेरा एक और पार्सल आया है अमेजोन से, तो अमेजोन से ना मैंने ऑर्डर किए थे ये वाले कर्टन्स, तो आप देख सकते हो, तो अमेजोन से मैंने दो कर्टन्स का सेट था ये 200 रुपीज में, तो वो मैंने ऑर्डर किया था, तो अभी थोड़ी देर पहले आया है। तो देखिए, एक कर्टन को तो मैंने लगा दिया है यहाँ किचन के डोर पर और काफी अच्छा लग रहा है ये, और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरा वाला कहाँ है। तो दूसरा वाला मैंने लगा दिया है रूम के इस वाले विंडो में, तो ये पार्सल मेरे पास आज ही आया था, तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया है। सब्जी है तो मेरी लौकी की सब्जी अभी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से राइस बना दूँ, तो चावल यहाँ मैंने भिगो के रखे हुए हैं। सो चलिए बनाते हैं राइस और खाना खाते हैं। और आज शाम के जो हैं हमारे काफी सारे प्लान्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं, तो आई होप कि मैं आपके लिए अच्छा सा आज का व्लॉग जो है इवनिंग वाला मैं शूट कर सकूं, क्योंकि एक बहुत टाइम से मैंने कुछ सोचा हुआ था, बहुत तमन्ना थी मेरी, तो आज वो तमन्ना अगर भगवान ने चाहा तो पूरी होने जा रही है, सबके साथ शेयर करूंगी जरूर। और ये एक छोटा सा सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए कि आज कुछ नया जो है मैं करवाने वाली हूँ। सो चलिए चावल बना लेते हैं, और चावल बना के थोड़ी सी मुझे कॉफी भी बनानी है यार, अपने लिए बहुत फीलिंग हो रही है कॉफी पीने की, तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना ही खा लूँ, खाली पेट कॉफी ना पीऊँ। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर उसके बाद कॉफी पियेंगे। राइस, तो चलिए बच्चों को देते हैं ग्रेप्स, तो चलिए लो। हाँ बच्चा, जितने थे मैंने दे दिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस रूम में और बैठते हैं, और एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट। तो कल मैं मार्केट से ना अपने लिए कुछ इयररिंग्स भी लेके आई थी, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ भी ना 24th में थोड़ा सा कुछ प्रोग्राम है, और मुझे काफ़ी अच्छे दिखे थे टेसल इयररिंग्स, तो मैं अपने लिए 2 pair ऑफ टेसल इयररिंग भी कल लाई थी मार्केट से। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर लेके आई हूँ, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं की है मैंने, जस्ट मैं यही सब छोटर मोटर सा सामान लेके आई हूँ। सो देखिए, एक मैंने लिए हैं ये वाले इयररिंग्स, और इसी के साथ के फ्रेंड्स मैंने लिए हैं एक ये वाले इयररिंग्स, तो 2 pair ऑफ इयररिंग्स मैंने लिए हैं, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली कुछ दिनों में हमारे घर में कुछ प्रोग्राम है, तो मैं सोच रही हूँ कुर्ती के साथ में इनको वेयर करूँ, और काफ़ी अच्छे ट्रेंडी लगे मुझे, तो मैंने ले लिए। तो यही मैं कल लेके आई, ज़्यादा कुछ मैं लेके नहीं आई मार्केट से, क्योंकि क्या लो, हर बार मार्केट जाओ तो ऐसा कुछ लेना भी नहीं रहता है, यही सब है। और आपको मैं बताऊं कि मैंने अपने बर्थडे के लिए ना बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं अपने बाल जो हैं वो कर्ली करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और आपसे मैं बताऊं कि कुछ भी नहीं हुआ, सीरियसली ऐसी मेरी तबीयत खराब हुई कि मेरे सारे के सारे प्रोग्राम जो है ना सब चौपट हो गया। कुछ मैं बहुत कुछ मैंने सोचा था कि मैं अपना कटिंग करवाऊंगी, मगर कटिंग तो मैंने एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था, क्योंकि एक लाइव में मैंने शेयर किया था कि मैं हेयर कटिंग कराऊंगी, तो फ्रेंड्स एक्चुअली अभी मैं फिलहाल
अभी मैं जो है हेयर कट नहीं करा रही हूँ, क्योंकि परसों में मैं गई थी अपने सैलून, तो भैया ने मुझे बोला है कि अभी आजकल आपके बाल जो हैं थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, तो मैं उनसे शैम्पू वगैरह लिखवा के लेके आई हूँ, लीव इन कंडीशनर मैं लेके आई हूँ, तो उन्होंने बोला थोड़े दिन अपने बालों की केयर करो, थोड़ी सॉफ्टनेस आएगी तब आप हेयर कटिंग लो, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि थोड़े से मेरे कुछ लास्ट 1 या 2 वीक से मेरे बाल काफ़ी ड्राई हो गए हैं, और ड्राइनेस की वजह से ना बालों में बहुत ज़्यादा वेव आ गया है, बहुत ज़्यादा कर्ली से लगने लगे हैं, तो ऐसे ऐसे बालों में तो बॉब कट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं टेक्सचर इम्प्रूव कर लूँ, फिर उसके बाद में जो है मैं अपनी कटिंग कराऊंगी, तो देखते हैं कैसा रहता है। मगर हाँ, कुछ तो है जो बर्थडे पे नया करवाना है, सो उसी के लिए आज शाम को जाएंगे, देखते हैं क्या करवाते हैं। राइस जो है वो हो गए हैं तैयार, और साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा अचार, तो मैं तो जो है बाउल में ही खा रही हूँ सब्जी राइस मिक्स करके, तो कभी कभी मन करता है ना कि बस एक बाउल में बस सब कुछ मिक्स करो और खा लो बस, तो मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, तो मैं बाउल ही लेती हूँ ये। सो फ्रेंड्स, आज तो आशु भी जो है 3 बजे आ जाएंगे ऑफिस से, तो इसलिए मुझे भी अपना काम जो है जल्दी जल्दी फिनिश करना है, ताकि फिर हम लोग को कहीं पर जाना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कहाँ जा रहे हैं, तो देख रहे हैं अभी जल्दी से मैं अपना खाना खा लूँ और काम वाम फिनिश कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग को 3 बजे जो है आशु के आने के बाद फिर हमें निकलना है। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी शाम में मैं आपके लिए शूट करने वाली हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग, ठीक है, तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज के मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स क्या सोच रहे हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी फैमिली बनो, और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी कम्युनिटी पे बर्थडे विश किया है, सो थैंक यू सो मच आप लोग की प्यारी प्यारी बर्थडे विशेस के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।